प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र के जो विज्ञान है या नहीं उसके ऊपर कई बार बहुत आपत्तियां हो जाती हैं, क्योंकि समाज विज्ञान के ऊपर कई बार इस प्रकार का भ्रम किया जाता है कि इसका जो अध्ययन वस्तु और इसमें जो रिजल्ट होते हैं वो बायस्ड होते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि समाजशास्त्र विज्ञान है, उसमें वो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि एक प्राकृतिक विज्ञान के करीब करीब जो है हम लोग भी वहाँ तक पहुँचते हैं, और हमारा जो विषय वस्तु और हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और उन्हीं पद्धतियों के द्वारा निकाले जाते हैं, जैसे कि प्रश्नावली, अवलोकन, जो कल जैसे मैंने आपको बताया था साक्षात्कार वगैरह, तो उनसे जो रिज़ल्ट निकलते हैं और उसको फिर जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसको हम संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं। तो अपने पास ऐसी सैम्पलिंग और अन्य कई टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाते हैं। अब जिस प्रकार से बहुत सभी जो समाज विज्ञान होते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, तो आज हम उन जो विशेष टर्मिनोलॉजी है उनका अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम जो हमारे सिलेबस में चार हम उनका अध्ययन करेंगे, एक तो समाज क्या है, एक समुदाय क्या है, एक संस्था क्या है और एक समिति क्या है। तो ये चार ऐसे शब्दावलियाँ हैं जिनका कि बार बार प्रयोग किया जाता है और इनको हम इसका हम समाजशास्त्रीय अर्थ के रूप में प्रयोग करेंगे कि क्या चीज़ इसको हम क्या कहेंगे। कल मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि समाज क्या है, आमतौर पर इसको व्यक्तियों के समूह के रूप में माना जाता है, सही भी है, व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसका दृष्टिकोण, इसका दृष्टिकोण जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जैसे समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र में जब हम समाज की बात करते हैं तो व्यक्तियों का समूह, लेकिन व्यक्तियों के समूह के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ क्या है, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध, जो सामाजिक संबंध हैं और जो गिव एंड टेक के संबंध हैं या आपस में पारस्परिक सहायता है, उसके बिना समाज जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अलग अलग विषयों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, जैसे कि अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र में समाज का क्या अर्थ होगा, जहाँ पर कि समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होते हैं, या जैसे पॉलिटिकल साइंस है वहाँ पर राजनीतिक संबंधों के द्वारा व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनका अध्ययन, तो उनकी टर्मिनोलॉजी भी अलग अलग होती है, हर विषय की टर्मिनोलॉजी अलग होती है, उसी हिसाब से समाजशास्त्र की जो पद्धतियां और समाजशास्त्र की जो शब्दावलियां हैं वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम समाज का अध्ययन करेंगे, तो समाज में जो सबसे जरूरी है वो एक और है कि समाज और एक समाज में अंतर, तो ये अंतर अपन पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं छोटे वाले उसमें ये दो नंबर के जो इसमें ये प्रश्न आमतौर पर आता है कि समाज और एक समाज में क्या अंतर पाया जाता है। तो समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें कि पूरे समाज की बात की जाती है, और जब हम अ सोसाइटी की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं, तो एक समाज को हम किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के नाम के साथ जुड़ता है, किसी के नाम के साथ जुड़ेगा तो वो एक समाज कहलाएगा, जैसे कि जैन समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जब हम किसी पर्टिकुलर समाज को जोड़ देते हैं, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, बच्चों का समाज, युवाओं का समाज, जब हम किसी को टैग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अ सोसाइटी, एक समाज, उसकी पर्टिकुलर विशेषताएं, उसकी सारे आपस के संबंध, ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, एक समाज। और जहाँ पर कि हम ब्रॉड कंसेप्ट की बात करते हैं, पूरे समाज की बात करते हैं, पूरे, तो उस वहाँ पर हम पूरे समाज को टोटलिटी में देखते हैं। तो ये आपको मेरे हिसाब से अंतर समझ में आ गया होगा कि समाज और एक समाज क्या होता है। अब समाज के जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कल भी मैंने आपको बताया था, मैकाइवर और पेज, इसकी परिभाषा को हमने कल भी कल वाले वीडियो में भी बताया था,
मैकाइवर और पेज ने जो इसकी परिभाषा आम तौर पर बहुत ज़्यादा प्रयोग में भी की जाती है, जिसको मैंने आपको ब्रीफ में भी बता दिया था कि समाज क्या है, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। तो मैकाइवर के लिए जो समाज के लिए संबंधों का होना जरूरी है, और उन्होंने जैसे उन्होंने जो पूरी परिभाषा है, समाज क्या है, रीतियों, रीतियों मतलब जो व्यवहार के तरीके होते हैं, वो कोई भी समाज नहीं पनप सकता, कोई भी समाज नहीं सर्वाइव कर सकता जबकि उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न जो है वो संभव नहीं हो। तो जब कोई पैटर्न डेवलप हो जाता है तो वो समाज जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो रीतियों, समाज क्या है, रीतियों, दूसरा कार्यप्रणालियों। अब कोई भी पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको प्रोसीजर तो बनाना ही पड़ेगा, तो क्या है, कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है, रीतियों की व्यवस्था है, कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। कार्यप्रणालियों में हर समाज की जो प्रोसीजर है या हर समाज का, हर काल का जो प्रोसीजर है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। कार्यप्रणालियों की सत्ता, अब आप देखिए कि जो सत्ता कार्यप्रणाली बनेगी तो सत्ता एक अथॉरिटी भी होगी। भाई कैसे, आपको कहीं ना कहीं तो सबके लिए सारी चीज़ें खुली छोड़ देंगे तो क्या समाज सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अथॉरिटी का होना या डर का होना या दंड का होना या एप्रिसिएशन का होना जरूरी होता है। तो समाज क्या है, रीतियों, कार्यप्रणालियों, सत्ता, पारस्परिक सहायता, इसके बिना तो समाज चल ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि गिव एंड टेक, आप मेरे लिए कुछ करोगे, मैं आपके लिए कुछ करूंगी, और इस प्रकार से यही जो जैसे अपने पुराने वीडियो में क्रिया प्रतिक्रिया अंतःक्रिया व्यवस्था समूह और समाज, ये मैंने आपको एक पूरा चार्ट बना के बताया था। तो ऐसे ही पारस्परिक सहायता के बिना भी समाज नहीं बन सकता, ना ही सर्वाइव कर सकता। तो समाज में कभी ना कभी एक दूसरे के, हर व्यक्ति तो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता, हर व्यक्ति हर काम कर भी नहीं सकता है। तो इसीलिए तो समाज में जो एक टर्मिनोलॉजी है, श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर, उसके बिना समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सब लोग अपने अपने लिए नियत कार्य को करते हैं और समाज उसी प्रकार से एफिशिएंसी और उसको आगे बढ़ता है। अगला आ जाता है समूह और विभाजन। जब पारस्परिक सहायता के बाद अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं और अलग अलग, जो मैं श्रम विभाजन की बात कर रही हूँ, तो उसके बाद अलग अलग जो है वो व्यक्तियों के कार्य बढ़ जाते हैं और वो अपने लिए नियत जो कार्य होते हैं उन नियत कार्यों को करता है। अब अगर समाज में अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, नियंत्रण। इन सारे कार्यों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में नियंत्रण का होना, नियंत्रण के लिए दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मींस जो है वो समाज में पाए जाते हैं। फॉर्मल मींस में आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, पुलिस है, प्रशासन है, वो आ जाता है, और इनफॉर्मल मींस ऑफ जो आपका नियंत्रण के साधन है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें रूढ़ियाँ हैं, आपकी परंपराएँ हैं, रीतियाँ हैं, कार्यप्रणालियाँ हैं, जिनके माध्यम से वो अपने ऊपर, जैसे अगर पुलिस और जुडिशरी का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है तो रूढ़ियां और परंपराएं वो भी हमारे ऊपर उतना ही प्रभाव डालती हैं। तो नियंत्रण का होना भी जरूरी है और उसी प्रकार से स्वतंत्रता, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर अपन ने पूरा का पूरा सारा का सारा कस दिया व्यक्ति को, पर आपने थोड़ी भी लिबर्टी नहीं दी, तो लिबर्टी भी उतनी ही जरूरी होती है। तो कहीं कहीं पर अपन को, कहीं पर हम नियंत्रण को रखते हैं और कहीं कहीं पर हम उसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता को देते हैं। तो और इसके बाद जो पूरी परिभाषा बनती है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो समाज क्या है, मैकाइवर, रीतियां, कार्यप्रणालियों, सत्ता, पारस्परिक सहायता, समूह और विभाजन, नियंत्रण और स्वतंत्रता की व्यवस्था का नाम क्या कहलाएगा, समाज कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर और पेज। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी, समाज और एक समाज में अंतर, और समाज जो है वो, समाज और समाज की, मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप ये देखिए कि जो समाज है ये सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। क्या आप सोच रहे हो कि समाज जो है वो सिर्फ मनुष्यों में ही समाज पाया जाता है?
नहीं, ऐसा नहीं होता। समाज की जो ग्रुप है और समाज की जो आप देखोगे कि बहुत सारे जो चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षी भी होते हैं, उनमें भी आपस में समाज पाया जाता है। वो सिर्फ उनके पास क्या चीज़ नहीं है, संस्कृति नहीं है। मनुष्य के पास क्या है, कल्चर है। मनुष्य के पास क्या है, भाषा है। मनुष्य एक दूसरे को संवेदना को व्यक्त कर सकता है। जानवरों के पास संवेदना तो है लेकिन उनके पास उसको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, भाषा नहीं है। इसीलिए सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अन्य पशु पक्षियों में समाज नहीं पाया जाता। तो इसलिए मनुष्य जो ये समाज जो है वो पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। और समाज जो है वो दूसरी इसकी विशेषता क्या आएगी कि समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि सभी लोग पॉजिटिव 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 रहेंगे और भिन्नता जरा भी नहीं होगी, ज़रा भी वेरिएशन नहीं होगा, तो क्या समाज सर्वाइव कर पाएगा? समाज सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो समाज में कुछ जगह तो हमको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही हैं और परिवार है, तो परिवार की संस्था को चलाए रखने के लिए पति पत्नी में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। लेकिन उसके बाद जो जैसे सेक्स के आधार पर स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर स्त्री अपना कार्य करती है, पुरुष अपना कार्य करता है। स्त्री की अपनी स्त्रीयोचित गुण होते हैं और पुरुषों के अपने गुण होते हैं। तो दोनों अपनी अपनी भिन्नताओं को रखते हुए भी वो अपने जो है वो परिवार की संस्था को बनाए रखते हैं। तो समाज में मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है और समानता और भिन्नता पाई जाती है। और समाज के सर्वाइवल के लिए सहयोग और संघर्ष दोनों जरूरी हैं। अगर आपस में हम जैसे पहले बताया पारस्परिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल हेल्प ज़रूरी है समाज के सर्वाइवल के लिए, वह सहयोग जितना जरूरी है, क्योंकि सहयोग के बिना तो समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो सहयोग जरूरी है, उसी प्रकार से संघर्ष भी ज़रूरी है। अगर अपन कहीं पर भी ना कहना ही नहीं सीखेंगे, या बच्चों को परिवार में अगर किसी भी चीज़ के लिए मना ही नहीं करेंगे कभी भी, तो क्या ऐसा बच्चा जब कभी भी समाज में उसके ऊपर या आगे बढ़ेगा, अगर उसको किसी भी प्रकार की दिक्कतें आएंगी तो वो टूट जाएगा। इसीलिए बच्चों के डेवलपमेंट में जब सोशलाइजेशन उनका होता है, तब उनको दोनों प्रकार की परिस्थितियों को में जीना आना चाहिए। तो संघर्ष और दोनों पाए जाते हैं। और समाज जो है वो अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता। अगर अपन समाज को पूछते भी हैं तो समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह। पर व्यक्तियों के समूह के पर्टिकुलर अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, लड़कियों का समूह, तब वो समाज दिखाई देता है। वैसे समाज सिर्फ महसूस किया जाता है। और जब अपर उसको किसी का कोई नाम देते हैं, टैग करते हैं, जैन समाज, ब्रह्म समाज, लड़कियों का समाज, पुरुषों का समाज, तब वो उस रूप में दिखाई देता है जहाँ पर कि वो अपने आप को प्रूव करता है। तो अमूर्त होता है, जागरूक होता है। कभी भी समाज जो है वो ऐसा डल और सुप्त समाज नहीं होता। जहाँ कर भी अगर ऐसा डल और सुप्त समाज होगा तो उसको कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो समाज की जो विशेषताएं आपने, मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जानवरों के पास भी समाज होता है लेकिन संस्कृति नहीं है। समानता भिन्नता दोनों पाई जाती हैं। उसके सर्वाइवल के लिए सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। अमूर्त होता है, जागरूक होता है, और सबसे लास्ट में एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि समाज में व्यक्ति या समाज कोई भी अपने आप को ये सोच ले कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। तो कभी भी कोई संपूर्ण मनुष्य तो अपने आप में संपूर्ण है ही नहीं। एक दूसरे की हेल्प के बिना समाज कभी भी सर्वाइवल नहीं कर सकता। तो आपने देखा कि समाज की मैकाइवर और पेज की पूरी परिभाषा, उसके बाद समाज की ये विशेषताएं, और समाज और एक समाज में अंतर। हमने इस एक टर्म को आज पढ़ लिया कि समाज क्या है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको समुदाय के बारे में, समिति के बारे में और संस्था के बारे में एक एक करके जो आपके सिलेबस में, उसको हम पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।